नहीं बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक कांग्रेस के लोग सिर्फ एसी रूमों में बैठकर के राजनीति करते थे, अब पहली बार ऐसा हुआ है कि धूप छांव और बरसात में राहुल गांधी जी निकले हैं, तो लोगों को एहसास है कि भाई इनको भी हर तरह का मौसम का पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो 8 साल गुजरे हैं कांग्रेस ने इस इन सबको इस मौसम का एहसास करा दिया होगा। देखिए, प्रियंका गांधी नहीं एक आंधी है, और जहाँ तक सोनिया जी की बात है तो सोनिया जी जब जब समाज के अंदर निकली, जब जब निकली हैं वो देश के लिए निकली हैं, और जब भी वो सड़क पर निकलती हैं तो यकीनन परिवर्तन होता है। सोनिया जी जब भी बाहर निकलती हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती हैं, उसमें कामयाबी भी मिलती है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि सोनिया जी के प्रयास और ख़ासकर प्रियंका गांधी के प्रयास यकीनन बदलाव लाएंगे और देश परिवर्तन की ओर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रधानमंत्री गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस समय ज़रूरत विपक्ष की है समाज को। न्यू युवाओं को साथ में अगर लेकर चलें तो आए कि उनकी छवि भी बेहतर होगी और उनको ज़्यादा सपोर्ट भी रहेगा। ये जो भारत यात्रा कांग्रेस की रैली निकल रही है, लगातार चल रही है, लेकिन इसमें कोई भी जनाधार अभी तक दिखाई नहीं दिया और कांग्रेस को लगातार इसमें झटका ही लगता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने 370 पर विरोध किया था और आज ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो यूपी में आन के रैली करेंगी, इससे भी कोई किसी भी सरकार पर या प्रदेश पर कि 2024 का इलेक्शन हो या कुछ भी हो, इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, जैसे समीकरण प्रदेश के बन रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी उसे बहुत मेहनत करने की, युवाओं को जोड़ने की, किसानों को साथ लेने की मजबूती के साथ ज़रूरत है। अभी जो है निकल रही है यात्रा, तो इसके लिए जो है ये युवाओं को अगर वो जोड़े तो और अच्छा परिवर्तन आएगा। कांग्रेस जितना मेहनत करेगी इतना ही फ़ायदा होगा, मेहनत नहीं करेगी तो फ़ायदा नहीं होगा। मेहनत करेगी जितना इतना फ़ायदा होगा कांग्रेस को। ये एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, आने वाले टाइम में बहुत भविष्य में इसका इन्हें फ़ायदा मिलेगा, और ये युवाओं को साथ लेकर चलेंगे तो आने वाले टाइम में इनको और इसका लाभ मिलेगा।